हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूं। वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बोर्ड है जिसमें हमारा स्विच और इंडिकेटर और सॉकेट हमारा फिटिंग हो चुका है, जिसमें 5 स्विच, 1 इंडिकेटर और 2 सॉकेट का हमें कनेक्शन करना है। अब दोस्तों, जितना हमारा स्विच है, ठीक है, इसको हमें कनेक्ट करना होगा, यानी लूपिंग करना होगा। तो वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ले लिया है और इंसुलेशन भी रिमूव कर लिया है। अब दोस्तों, इंडिकेटर को भी हमें सप्लाई देना है, इस पर हमारी फेस सप्लाई आएगी, देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर इंडिकेटर के। अब ये जो वायर है, ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू हमारा स्विच की निचले वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन करेंगे, यानी जितना हमारा स्विच है, तीनों स्विच जो है ऊपर हमारा, ठीक है, स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे, यानी तीनों स्विच को हमें लूप करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो इंसुलेशन रिमूव किया है, देख सकते हैं इंडिकेटर के यहाँ पे हमें इस तरह से कर लेना है। अब दोस्तों, स्क्रू को आपको फुल टाइट कर लेना है, लूजिंग नहीं रखना है, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा स्विच और इंडिकेटर, ठीक है, हमारा एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हमने कर लिया है तीनों स्विच को और इंडिकेटर को। अब उसके बाद दो स्विच हमारा नीचे है, इन दोनों स्विच को भी सेम उसी प्रकार से हमें अटैच कर लेना है, देख सकते हैं, और स्क्रू को फुल टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं। उसके बाद दोस्तों, इस वाले स्विच से ये सॉकेट हमारा कनेक्शन होगा, तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे देख सकते हैं वायर का हमने कनेक्शन किया, उसके बाद सॉकेट के येलो वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो स्विच है, दूसरे सॉकेट में हमें सेम उसी प्रकार से कनेक्शन करना है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्शन कर देंगे और सॉकेट के येलो वाले पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, स्विच को हमने लूपिंग कर लिया, इस वाले स्विच से ये सॉकेट और इस वाले स्विच से ये सॉकेट का हमने कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों, हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है सॉकेट को और इंडिकेटर को। देख सकते हैं एक वायर हमारा बड़ा है और एक वायर छोटा हमने लिया है ब्लू कलर का, ये न्यूट्रल वाला वायर है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इंडिकेटर को भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो चलिए उसे भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। अब इंडिकेटर को हमारा न्यूट्रल फेस सप्लाई मिल चुका। अब दोस्तों, उसके बाद हमारा ये बचता है सॉकेट का, ठीक है, दूसरा सॉकेट। अब ये मेन हमारा जो वायर है न्यूट्रल का और ये वायर, दोनों एक साथ सॉकेट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड का बेस हमारा लेडी वॉल में फिक्स है। अब यहाँ पर येलो कलर के वायर में आप टेप देख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर का ये हमारा इन्वर्टर का वायर डाला गया है, देख सकते हैं, और इसका अभी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस फट्टी के अंदर इस वायर को हम इस तरह से डाल देंगे, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, सर्किट की वायर यहाँ पे आप देखेंगे, 1.5 mm में रेड कलर का हमारा फेस है, ब्लू कलर का हमारा न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अब ये हमारा न्यूट्रल येलो कलर का न्यूट्रल वायर बनाया गया है, ठीक है, जैसे लाइट का, फैन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इस तरह से हम टेपिंग कर लेंगे, यानी इकट्ठा जितना न्यूट्रल है हम कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 mm में ब्लू कलर का जो वायर है हमारा, ठीक है, ये हाफ वायर है फेस का, ठीक है, जैसे लाइट का, फैन का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसे भी हमें टेपिंग कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों, जितना हमारा न्यूट्रल वायर है, देख सकते हैं येलो कलर की वायर यहाँ पर हमने कट किया है, और वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, इसे हमें लूप करना है, यहाँ पे इस तरह से 1.5 mm में, ठीक है, यहाँ पे वायर का इंसुलेशन रिमूव करेंगे और उसके बाद इन वायरों को अच्छी तरीके से लूप कर देंगे इस तरह से, यानी ज्वाइंट कर देंगे, देख सकते हैं, फुल टाइट करेंगे। अब उसके बाद हम टेप लगा देंगे। अब दोस्तों, हमारा यहाँ पे न्यूट्रल लूपिंग हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए यहाँ पे कनेक्शन करके दिखलाते हैं। उसके बाद दोस्तों, हाफ वायरें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर में कट कर लेंगे, वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे, यानी टोटल वायर का इंसुलेशन रिमूव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, सॉकेट का जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है और मेन न्यूट्रल वाला वायर, इन दोनों वायरों को आपस में ज्वाइंट करेंगे और सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूजिंग नहीं रखेंगे। अब न्यूट्रल का जो है हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, हम हाफ वायर का कनेक्शन करेंगे, यानी फेस का, जैसे लाइट का, फैन का, तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्शन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तीन स्विच है और तीन वायरें हैं हाफ, ठीक है, तो इस तरह से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन कर देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा वायर है, इसका भी सेम उसी प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हाफ वायर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मेन फेस का कनेक्शन करना है, तो स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे देख सकते हैं, ये बिचला वाला जो स्विच है,
इसके निचले वाले टर्मिनल पे हम इस वायर को अच्छी तरीके से यानी फेज वाली वायर को कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को फुल टाइट करना है, लूजिंग नहीं रखना है। अब दोस्तों इस बोर्ड की हमारी वायरिंग कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इस बोर्ड को कसते हैं, उसके बाद आपको ऑन करके यानी सप्लाई इसमें चालू करके दिखलाते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल हमें 4 स्क्रू से इस बोर्ड को कसना है, तो कस लेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों इस बोर्ड में हमारी सप्लाई आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा है, स्विच को ऑन कर रहे हैं, देख सकते हैं बल्ब हमारा जल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।